आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड। इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड जो है वो कैसे वर्क करता है और इसके थ्रू हम कैसे वर्क कर सकते हैं, ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। अपने उबंटू के बारे में 9th स्टैंडर्ड में आपने देख लिया है कि बहुत ही डीपली आपको डेप्थ में समझाया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, ओके। यहाँ पे हमको बेसिकली उबंटू के दूसरा जो इंटरफेस है इसके साथ कैसे वर्क करना है वही हमको यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दो तरीके से काम करते हैं। एक तो होते हैं कि GUI वर्क करते हैं और दूसरा होता है CLI, ओके। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू वर्क करती है, यानी कि यहाँ पे आपको ग्राफिक्स दिया गया होता है, वहाँ पे हम टच करते हैं, कोई भी अनपढ़ कोई भी होता है तो वो भी इसको हैंडल कर सकता है, ओके, यूज़ कर सकता है अच्छी तरह से। तो ऐसा होता है GUI फॉर्म, ओके। GUI इंटरफेस बहुत ही बढ़िया होता है और काम करने की जो बोलते हैं कि बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं, ओके। इसके बाद क्या होता है तो कि CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कैसे वर्क करता है तो कि वो कमांड हमको देना पड़ता है, इसके बाद वो वर्क करता है। यानी कि यहाँ पर आपको कंप्लीटली आपको नॉलेज चाहिए, ओके, कमांड के बारे में और आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, इसके बारे में आपको कम्प्लीटली नॉलेज चाहिए, वरना आप काम नहीं कर सकते हैं CLI में। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस अलो अस टू एक्सेस द रियल पावर ऑफ लिनक्स विथ ग्रेटर एफिशिएंसी। इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ एनी उबंटू सिस्टम। यहाँ पे जो है जो उबंटू लिनक्स है बहुत ही बढ़िया है यूज़ करने के लिए। और उबंटू लिनक्स जो है वो आप बोलते हैं कि भाई हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में आप देखने जाए तो उबंटू लिनक्स है बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ काम करने को भी आपको मज़ा आता है, ओके। तो इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ए वाला जो है, ओके, स्टार्टिंग ऑफ द टर्मिनल कैसे स्टार्ट करें वो हमको देखना है यहाँ पे, ओके। तो टर्मिनल स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कमांड लाइन इंटरफेस कंसोल जो होता है, ओके, ग्राफिकल इंटरफेस, ओके, इसके अंदर हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। और टर्मिनल ओपन करने के दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो, ओके, कौन कौन से तरीके हैं। तो फर्स्ट वाला है एप्लीकेशन मेनू में जाने का है। हम उबंटू के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं तो इसके एप्लीकेशन मेनू में वो दिखाएगा, और दूसरा हमको दिखाएगा वो कि एसेसरीज, ओके। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, एसेसरीज है, और तीसरा ऑप्शन है टर्मिनल। यानी कि हम एप्लीकेशन मेनू में जाएंगे, इसके बाद एसेसरीज ऑप्शन आएगा, इसके अंदर और एक ऑप्शन आएगा टर्मिनल। जैसे हम इसको फॉलो करते हैं तो हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको दिखाया गया है कि दूसरा पोर्शन कौन सा है तो कि हम कैसे इसको अल्टरनेटली वर्क कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी, ओके, कंट्रोल अल्टर टी हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ही साथ प्रेस करने से आपको टर्मिनल विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ टर्मिनल विंडो सिमिलर टू द वन शो इन फिगर 6.1, यानी कि ए वाला जो टर्मिनल विंडो है आपको दिखाई दे रहा है अभी। तो ए विंडो जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि जो टर्मिनल विंडो है, ओके, इसके अंदर बहुत सारे जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे सिंबल है, ओके, इन सभी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसमें हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या हमको इंडिकेट करता है और उबंटू लिखा हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है, ओके, इसके बाद जो यहाँ पे @ साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, इसके बाद यहाँ पे कोलन की जो सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हमको डॉलर दिया गया है जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखने जाते हैं।
ओके तो ए वाला जो भाग है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है अभी, ए जो है अभी हम देख रहे हैं वो है यूजर नेम, यूजर का नेम इंडिकेट करता है। इसके बाद आता है एड साइन। ओके एड साइन के बिफोर जो लिखा हुआ है यूजर नेम है, इसके बाद जो लिखा हुआ है वो सिस्टम नेम है। यहाँ पे हमारा सिस्टम नेम कौन सा है, उबंटू लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे टेल साइन आती है, ऐसे होते हैं, ए टेल साइन है। ओके ए टेल साइन क्या इंडिकेट करती है, तो कि ए इंडिकेट करते हैं कि हम अभी जो वर्क कर रहे हैं हमारी होम डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। ओके आपका जो करंटली जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी ओके वो यहाँ पे आपको लिखी हुई आएगी। ओके यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है, अभी टेल्स लिखा हुआ है। ए जो टेल्स क्या इंडिकेट करता है अभी, तो कि हम हमारी होम डायरेक्टरी में वर्क करते हैं। ओके इसके बाद डॉलर आता है, क्या आता है डॉलर। ओके तो डॉलर क्या इंडिकेट करता है, तो कि डॉलर इंडिकेट करता है कि ए जो है कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि हमारा जो कमांड लाइन इंटरफेस जो है ओ अभी हमारे साथ यानी कि यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए अभी सही है। ओके ओ तैयार है, अभी हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं, वो इंडिकेट करता है। ओके तो देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है वो। ओके हमने यहाँ पे उबंटू लिनक्स जो है ओपन किया हुआ है। ओके मैंने यहाँ पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल की हुई थी, और पहले इंस्टॉल की हुई थी मैंने विंडोज़, विंडोज़ के अंदर मैंने वर्चुअली ऐड किया है वीएमवेयर के थ्रू उबंटू लिनक्स। ओके तो उबंटू लिनक्स के अंदर हम कैसे वर्क करेंगे वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए वाला जो भाग है यहाँ पे मैंने मेरा जो यूजर नेम कौन सा है, मितुल आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मितुल आर। ओके तो इसके बाद यहाँ पे मेरे जो सिस्टम का नेम कौन सा है, तो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उबंटू। ओके तो ए उबंटू मेरे सिस्टम का नेम है, और उसी तरह से यहाँ पे भी आपको टेल साइन दिख रही है, तो वो इंडिकेट करता है कि हम अभी जो वर्क कर रहे हैं वो हमारी होम डायरेक्टरी में वर्क करते हैं। और इसके बाद डॉलर साइन आती है। ओके तो इसी तरह से हमको यहाँ पे वर्क करना है। ओके इसके बाद आपको यहाँ पे देखो पूरे का पूरा आपका जो स्क्रीन है उसको समझाया गया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके सभी सिंबल के बारे में दिखाया गया है जो मैंने हमको आपको अभी बोला है। द कमांड प्रॉम्प्ट इंडिकेट दैट द इंटरफेस इज रेडी टू इंटरेक्ट विद द यूजर इज द फॉर्म ऑफ कमांड। ओके यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट क्या आपको इंडिकेट करता है, तो कि हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो इंटरफेस है वो यूजर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अभी रेडी है। ओके तो हम इसको जैसे कमांड देते जाएंगे वो ऐसे वर्क करता जाएगा। अ कमांड इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट अकम्प्लिश कंटेंट टास्क, सर्टेन टास्क। ओके जो कमांड है, कमांड क्या है, तो कि इसके पास जो सर्टेन टास्क होता है, यानी कि हमने दिया केल। ओके केल कमांड आता है, तो केल कमांड हम देते हैं तो वो समझ जाता है कि इसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होगा ओके यानी कि कैलेंडर के रिलेटेड होगा, तो हमको कैलेंडर दिखाएगा। ओके तो सर्टेन टास्क होता है उसके, वो कंप्लीट करता है। वन द प्रॉम्प्ट इज डिस्प्ले वी कैन इश्यू कमांड एज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। अभी हम जो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कमांड के बारे में इस वाले चैप्टर में ही देखने वाले हैं। ओके इसे चैप्टर में हम देखेंगे कमांड के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग वेरियस कमांड, कमांड के बारे में देखने से पहले हम इसका जो एक टर्म है इसका नेम कौन सा है, सेल। ओके सेल नाम का जो टर्म है इसको हम समझ लेते हैं, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं सेल को। ओके सेल क्या है और कैसे वर्क करता है। सेल अ सेल इज द कमांड लाइन इंटरफेस। सेल क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है, यानी कि यूजर के साथ काम करने के लिए यहाँ पे इस वाले जो सेल की जरूरत रहती है। ओके सेल इज अ यूजर प्रोग्राम और एन एनवायरमेंट प्रोवाइडेड फॉर यूजर इंटरेक्शन। ये जो सेल है वो यूजर को प्रोग्राम एनवायरमेंट जो होता है वो प्रोवाइड करता है सेल। ओके यूजर को काम करने की यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है।
इट इज अ कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर दैट एक्सेप्ट अ इशू कमांड। यहाँ पे जो ए जो है ना कमान लाइन इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, कमान एक्सेप्ट करेगा, इश्यू करेगा, ओके इसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेगा, ओके कमान को अंडरस्टैंड करेगा, इसके बाद क्या करेगा तो के इंटरेक्ट विद द कर्नल टू एग्जीक्यूट इट। यानी सेल क्या करेगा बाद में वो कर्नल के पास जाएगा, ओके इसके जो इंफॉर्मेशन होगी वो गैदर करेगा, ओके इसको एग्जीक्यूट करवाएगा और डिस्प्ले रिजल्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जो हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमको वो दिखाएगा, ओके इसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। कैसे वर्क करता है मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ यहाँ पे, ओके तो सबसे पहला आता है ए, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ए होता है यूजर, क्या होता है यूजर, ओके दूसरा होता है इसके अंदर ए वाला होता है सेल, क्या होता है सेल होता है, और तीसरा इसके अंदर होता है जो होता है कर्नल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे तो क्या हमारा जो यूजर है वो क्या करेगा सेल को कमांड देगा, कमांड किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कर्नल को, कर्नल क्या करेगा जो भी कमांड है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्टिव करके फिर से वो किसको देगा सेल को देगा, सेल फिर से क्या करेगा जो भी रिजल्ट आया वो डिस्प्ले करेगा यूजर को, ओके तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सेल है वो वर्क करता है बिटवीन द यूजर एंड कर्नल, ओके तो इस तरह से वर्क करता है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ सेल, लिनक्स आर प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सेल, इन फर्स्ट वन इज बोन सेल, ओके बोन सेल है, बोन सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या है SH, ओके इसके बाद दूसरा कौन सा है सी सेल, ओके इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है CSH, इसके बाद आता है कॉर्न सेल, ओके कॉर्न सेल का शॉर्ट फॉर्म है KSH, ओके इसके बाद आता है बास सेल। यहाँ पे फोर टाइप ऑफ सेल अवेलेबल है इसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे चार ही मेन जो टाइप है इसके बारे में पॉपुलर जो भी है इसके बारे में बताया गया है, ओके तो सबसे पहला है इसके बारे में देख लेते हैं बोन सेल। बोन सेल का यूज क्या होता था, ओके यानी कि ए वाला जो सेल है बहुत ही पहले आया हुआ था और अर्लीस्ट यूनिक्स सेल यूज एज कमांड लाइन इंटरफेस, ओके सबसे पहले कमांड लाइन इंटरफेस के लिए यूज किया गया था वो सेल है बोन सेल। बोन सेल प्रोवाइड बेसिक मैकेनिज्म फॉर सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ओके बेसिक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता था जो सेल स्क्रिप्ट लिख सकते थे इसके अंदर बोन सेल के अंदर, विच अलो अस टू राइट प्रोग्राम बेस्ड सोलेली ऑन कमांड्स, विच अलो अस टू राइट अ प्रोग्राम बेस्ड सोलेली ऑन कमांड, यानी कि ये हमको जो है प्रोग्राम लिखने की अनुमति देता है, कोई भी कमांड हमको इसके अंदर लिखना है तो लिख सकते हैं। सी सेल आइडेंटिफाइड एज CSH, सी सेल है इसका शॉर्ट फॉर्म कौन सा है CSH, ओके इज अनदर सेल कॉमनली फाउंड ऑन लिनक्स सिस्टम, लिनक्स सिस्टम में अदर दूसरा जो है सेल यहाँ पे हमको प्रोवाइड किया है, ओके तो सेल प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग सी प्रोग्रामिंग सिंटेक्स इन दिस सेल, यानी कि यहाँ पे ए वाले जो सेल है इसके अंदर सी लैंग्वेज की जो सिंटेक्स है वो प्रोवाइड की गई है, ओके टू न्यूअर वर्जन ऑफ सी एस एच इज टी सी एस एच, ओके तो सी एस एच का न्यूअर वर्जन कौन सा है तो के टी सी एस एच, ओके ए वाला ये न्यूअर वर्जन है वो याद रखना है हमको, ओके तो यहाँ पे हमको वो दिखाया गया है। इट प्रोवाइड एडिशनल सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग फीचर्स टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ सी एस एच, टी सी एस एच क्या प्रोवाइड करता है तो कि जो सी एस एच के जो भी लिमिटेशन है इसको एडवांटेज में रख के वो यहाँ पे हमको दिखाया गया है, ओके इसके लिमिटेशन कम कर दिए है टी सी एस एच में। इसके बाद आता है नया सेल जो है कॉर्न सेल, कॉर्न सेल को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं KSH, ओके हॉज डेवलप टू कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ द SH एंड CSH, यानी कि बोन सेल और सी सेल का कॉम्बिनेशन बनाया है कॉर्न सेल में, ओके इसके बाद आता है बास सेल, बास सेल इज न्यूअर वर्जन, ये नया वर्जन है, बोन सेल है सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है, ओके अर्लियर वर्जन है।
इट्स अ न्यूअर वर्जन ऑफ बोन सेल, बोन सेल का ही न्यू वर्जन है. ओके, दस इज कंटेन सेम सिंटेक्स एंड फंक्शन एज एस एच, यानी कि एस एच यानी कि बोन सेल में जो भी सिंटेक्स है वही सेम टू सेम यहाँ पे जो बास सेल में है. ओके, नाउ डेज बास सेल इज कंसिडर स्टैंडर्ड सेल फॉर लिनक्स सिस्टम एंड इज दस कॉमनली यूज एंड अवेलेबल ऑन ऑल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो बास सेल है ना वो अभी जो स्टैंडर्ड सेल के थ्रू जाना जाता है और इसके थ्रू ही वर्क करते हैं अभी सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इसके थ्रू वर्क करती है. हम अभी जो भी वर्क करने वाले हैं वो इसके अंदर भी वही सेल यहाँ पे दिखाया गया है. ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं. लिस्टिंग द सेल अवेलेबल ऑन द सिस्टम, जो सेल अवेलेबल है हमारे सिस्टम में उसको हमको देखना है. तो इसके लिए क्या करना होगा, तो वो हमको आउटपुट लेने के लिए हमको इसको कमांड देना होगा. कौन सा कमांड लिखेंगे हम, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कैट लिखेंगे. हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा कमांड प्रॉम्प्ट कौन सा है, तो कि डॉलर है. ओके, डॉलर के बाद हम क्या लिखेंगे, कैट. डॉलर हमको लिखना नहीं है. ओके, डॉलर को हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलेंगे अभी. ओके, कमांड प्रॉम्प्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, कैट लिखेंगे. कैट के बाद स्पेस रख के स्लैश ETC स्लैश इसके बाद लिखेंगे सेल्स. ओके, तो इस तरह से कुछ लिखेंगे. सभी जो कैरेक्टर है वो स्मॉल में लिखेंगे, इसमें एक भी कैरेक्टर कैपिटल में नहीं लिखेंगे. ओके, ए वाला जो कमांड है, ए वाला जो मैंने लिखा है वो आर्ग्यूमेंट है. तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो देख रहे हैं आप कि ए वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है. ओके, तो यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है. इस कमांड को जैसे लिखा है और एंटर की प्रेस की है, तो जैसे एंटर की प्रेस की है तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको. ओके, तो ये सभी लिस्ट है जो सेल अवेलेबल है इन ऑपरेटिंग सिस्टम में. ओके, तो वैसे ही हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है, तो इसके अंदर कितने सेल अवेलेबल है वो देखते हैं. ओके, तो कॉमनली हम इसका यूज कर लेते हैं अभी कि कैसे वर्क करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है. ओके, इसके बाद यहाँ पे कर्सर है, कर्सर इंडिकेट करता है कि हम अभी जो हमारा जो इंटरफेस है वो वर्क करने के लिए रेडी है. तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा जैसे हमको दिखाया गया है उसी तरह से कैट लिखूंगा. इसके बाद मैं स्लैश ETC स्मॉल में ही लिखना है स्लैश सेल्स. ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मेरा जो कमांड था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद क्या करना है, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमको कंपलसरी एंटर की प्रेस करनी है. जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जितने भी सेल होंगे तो वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ए वाला जो है वो सभी सेल यहाँ पे दिखाया गया है जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है. ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, तो के डिटरमाइन द डिफॉल्ट सेल. डिफॉल्ट सेल कौन सा है वो हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है. ओके, तो वो डिटरमाइन करने के लिए देखने के लिए फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमको एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है. ओके, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कैसे वर्क करता है. Each Ubuntu Linux account is configured with a certain cell as its default command line interface. Okay, each time you log on, this default cell is utilized for working within the system. Okay, Linux operating system comes with the certain variables. Linux operating system में बहुत सारे जो variable दिए गए हैं. That contain current environment. Current environment यानी कि इसमें थोड़ा बहुत जो जो changes करता है, behavior change करता है, इसके बारे में setting दिए गए होते हैं. Okay, as its value. Okay, इसके value भी दी गई है, ये value भी store होगी इसके अंदर. And thus आर नॉन एज एनवायरमेंट वेरिएबल. इसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू जाना जाता है. जब भी हमारा जो करंट सेल कौन सा है वो देखना है तो इसके लिए कौन सा कमांड हम यूज करेंगे. ओके, तो इसके लिए हमको यहाँ पे दिखाया गया है उसी तरह से हम यहाँ पे हम इको कमांड लिखेंगे. कौन सा कमांड लिखेंगे, इको.
ओके। इसके बाद स्पेस रख के डॉलर लिखेंगे, इसके बाद हम कैपिटल में SHELL लिखेंगे। ओके, कैपिटल में लिखना है, हमारा जो वेरिएबल है वो कैपिटल है, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमको डिस्प्ले करेगा। वैल्यू कौन से होगी इसमें, तो कि हमारा जो करंट जो सेल होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, डिफॉल्ट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी इसके पास। ओके, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए इको कमांड का यूज किया जाता है। ओके, इको कमांड का यूज करके हम जो भी वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, या तो कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है तो इसके लिए इको कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करना है देख लेते हैं अभी। ओके, यहाँ पे हमको दिखाया गया है हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इको लिखेंगे, इको स्पेस, इसके बाद क्या लिखना है, डॉलर। जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू हमको डिस्प्ले करवानी है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके वेरिएबल के आगे डॉलर साइन लिखनी होगी। ओके, वो कंपलसरी है। और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल का नेम कौन सा है, सेल है। ओके, तो यहाँ पे मैं सेल लिखता हूँ और इसके बाद एंटर की प्रेस करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट भी मिल गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला है 62, यानी कि मेरा जो करंट यानी कि डिफॉल्ट जो सेल है वो कौन सा है, 62 है। ओके, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंजिंग द करंट सेल, करंट सेल को हमको चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमको नोट्स लिखे हुए हैं कि हमारा जो सेल है करंट कौन सा है अभी। ओके, तो कि 62 है, 62 में से हमको सी सेल में वर्क करना है, टेम्पररीली वर्क कर सकते हैं, डिफॉल्ट नहीं सेट कर सकते, डिफॉल्ट तो 62 ही वर्क करेगा। ओके, तो टेम्पररी आपको सेट करना है सी सेल, तो आप लिखेंगे CSH। अब क्या टाइप करेंगे, CSH लिख के एंटर की प्रेस करेंगे, तो टेम्पररी हम इस इंटरफेस में लॉगिन हो जाएंगे। फिर से हमको हमारा जो बास सेल है इसके अंदर आना है, या बाय डिफॉल्ट सेल में आना है, तो इसके लिए हमको कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो जैसे हम सी सेल में वर्क करते थे वहां से निकल के हम बाय डिफॉल्ट सेल में आ जाएंगे। इसके बाद आता है कमांड सिंटेक्स, यानी कि हम जो भी कमांड लिखेंगे इसके सिंटेक्स क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, कमांड नेम क्या होगा। ओके, तो कमांड का नेम लिखना होगा। इसके बाद आता है कमांड का ऑप्शन आता है, इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट आता है। ओके, तो इस तरह से कुछ लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेम के बारे में। ओके, इट इज द नेम ऑफ द कमांड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है ls कमांड, इको कमांड। ओके, इसके बाद हम kl कमांड लिख सकते हैं, तो बहुत सारे कमांड है, कैट कमांड है, तो आपके जो टेक्स्ट बुक है इसके लास्ट पेज में आपको बहुत सारे जो कमांड का पूरे का पूरा लिस्ट दिया गया है, जो यहाँ पे 6th chapter में आपको दिखाया गया है। इसके बाद आता है ऑप्शन, रिलेवेंट द कमांड, यहाँ पे हम ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन ऐड करने के लिए ऑप्शन क्या करता है, तो कि इसका जो बिहेवियर है उसको चेंज कर देता है। ओके, तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमको ऑप्शन ऐड करना होता है। ऑप्शन होता है वो सिंगल कैरेक्टर में होता है या तो सिंगल डिजिट में होता है। ओके, दोनों में से एक होता है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है ऑप्शन व्हेन प्रेजेंट स्टार्ट विद द हाइफन सिंबल, और ऑप्शन हाइफन सिंबल के साथ स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ls -l। ओके, तो इस तरह से लिखना है और एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा कमांड वर्क करेगा इसके थ्रू। ओके, तो यहाँ पे बिहेवियर में चेंज होगा, यूजुअली सिंगल लेटर और डिजिट, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सिंगल लेटर में होगा या तो डिजिट में होगा। सम कमांड में हैव ऑप्शन विद द डबल हाइफन एंड और सीक्वेंस ऑफ लेटर और डिजिट, बहुत सारे कमांड ऐसे होते हैं कि इसको डबल हाइफन से स्टार्ट होता है और इसके बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं और डिजिट भी होते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट एंड लेटर, डिपेंडिंग ऑन द कमांड, कमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वर्क करेगा, कि इसके साथ बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट, तीसरा है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अलोंग विथ
ऑप्शन यूजर कैन ऑल्सो प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ कमांड मे टेक जीरो और मोर आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आपका जो कमांड होगा वो जीरो आर्ग्यूमेंट के साथ भी होगा और इसके ज़्यादा भी आर्ग्यूमेंट होगी। ओके, ऐसे भी हम वर्क कर सकते हैं। द नंबर एंड एक्सपेक्टेड मीनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट वारी फ्रॉम कमांड टू कमांड, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड मीनिंग होगा जो आर्ग्यूमेंट का, ओके, और कमांड और कमांड से कमांड के बाद कमांड जो आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड होते हैं, इसके जो मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ओके, सम कमांड में टेक नो आर्ग्यूमेंट, कोई कमांड ऐसे भी होते हैं इसके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखी नहीं जाती है। ओके, और कोई कमांड ऐसे भी है इसको एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट दिए गए कि भाई यहाँ पे हम तीन ही आर्ग्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, दो ही ऐड कर सकते हैं वैसे। ओके, कोई कमांड ऐसे है कोई आर्ग्यूमेंट कितनी डालनी है वो भी एग्जैक्ट पता नहीं होता है। ओके, जितनी भी डालनी है मल्टीपल डालनी है तो डाल सकते हैं। तो ये तीन टाइप के होते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं भी होते है और फिक्स भी होते हैं और जितनी डालनी है उतनी भी होते हैं। ओके, वो कमांड पे डिपेंड करता है कितने आर्ग्यूमेंट ले सकता है। ओके, कमांड दो टाइप के होते हैं। देर आर कमांड आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज इंटरनल कमांड, ओके, इंटरनल कमांड, और दूसरा है एक्सटर्नल कमांड। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल ये दो कमांड दिया गया है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल कमांड कहाँ पे होते हैं तो कि इसको स्पेसिफाई डायरेक्टरी होती है, एग्जैक्ट डायरेक्टरी होती है इसकी। ओके, इसके अंदर स्टोर किया गया है सब कमांड, इसको हम एक्सटर्नल कमांड बोलते हैं। तो बहुत सारे जो कमांड है हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं वो सभी जो कमांड है वो कौन से कमांड है तो कि एक्सटर्नल कमांड में वर्क करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सभी डायरेक्टरी का नेम लिखा हुआ है, तो इस डायरेक्टरी में जो हमारा कमांड है इसका मीनिंग है कि ये एक्सटर्नल कमांड है। ओके, एग्जीक्यूटेड बाय द कर्नल एंड विल जनरेट अ प्रोसेस आईडी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब भी हम इसको कमांड जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, तभी जो कर्नल होता है इसकी प्रोसेस आईडी डिक्लेयर करता है। ओके, यहाँ पे यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम इसको जो एक प्रोसेस आईडी मिलती है इसके थ्रू इसको पहचाना जाता है। मोस्ट ऑफ कमांड दैट वी यूज इन लिनक्स आर एक्सटर्नल कमांड। ओके, मोस्ट ऑफ जो कमांड होते हैं वो सभी लिनक्स में जो भी कमांड है वो सभी कौन से है तो कि एक्सटर्नल कमांड है। ऑन अदर हैंड द कमांड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सेल आर कॉल्ड इंटरनल कमांड, सेल के थ्रू डायरेक्टली जो भी सेल वर्क करते हैं, ओके, इसको क्या बोलते हैं इंटरनल कमांड के थ्रू जाना जाता है, ओके, पहचाना जाता है। इंटरनल कमांड डू नॉट जनरेट अ न्यू प्रोसेस आईडी, जब भी हम इंटरनल कमांड यूज करते हैं तो इंटरनल आईडी का बार बार जो जब भी हम रन करते हैं तभी प्रोसेस आईडी नहीं होती है। ओके, इसके पहले से ही डिक्लेयर की होती है। ओके, डिफॉल्ट इसके जो प्रोसेस आईडी सेट की होती है। यहाँ पे हम कैसे पहचान सकते हैं कि इंटरनल कमांड है कि एक्सटर्नल कमांड है, तो इसका एक कमांड है टाइप कमांड। टाइप कमांड का यूज करके हम देख सकते हैं कि हम जो कमांड यूज कर रहे हैं वो इंटरनल है या एक्सटर्नल। टाइप इन्फो नाम का जो कमांड है इसके बारे में बताया गया है। ओके, तो ये कौन सा कमांड है, एक्सटर्नल कमांड है, ए वाले डायरेक्टरी में यूजर बिन इन्फो में। ओके, यूजर बिन में ये स्टोर किया गया है ए वाला कमांड, इन्फो कमांड। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं टाइप कमांड के थ्रू। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क करता है। ओके, टाइप स्पेस, इसके बाद हम क्या लिखेंगे कमांड का नेम लिखेंगे, यहाँ पे मैं कैल लिखता हूँ CAL। ओके, इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम आया, डायरेक्टरी का नेम है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है वो एक्सटर्नल कमांड है। ओके, दूसरा BC कमांड है। ओके,
टाइप स्पेस बीसी। ओके, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक होगी, TYPEBC, एंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आया, डायरेक्टरी का नाम है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, एक्सटर्नल कमांड है। मोस्ट ऑफली यहाँ पे जो भी कमांड दिए गए हैं वो सभी कौन से हैं, एक्सटर्नल कमांड ही दिए गए हैं। ओके, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं टाइप कमांड के थ्रू। ओके, इस शोंग जनरल पर्पज कमांड, जनरल पर्पज कमांड कौन कौन से है यहाँ पे हमको दिखाया गया। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जनरल पर्पज कमांड दिए गए हैं। ओके, तो इसके पहले यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो बहुत ही फ्रेंडली वर्क करता है। ओके, तो जनरली हम जो भी कमांड लिखते हैं यहाँ पे, जैसे नेम लिखते हैं हम, कोई भी कमांड का नेम लिख के हम यहाँ पे, मैं हेल्प नाम का जो कमांड है इसका यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे HE लिखता हूँ और टैब की प्रेस करता हूँ। कीबोर्ड में से टैब की प्रेस करेंगे तो इसके रिलेवेंट जो भी कमांड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, या तो पूरे का पूरा कमांड जो सिंगल कमांड होगा HE से स्टार्ट होता हुआ, तो यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा, वरना यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा। तो इतना सारे जो कमांड है, हेड, हेल्प, हेल्प टैग, ओके, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे मैं एक कमांड का नेम लिखता हूँ, टेम। ओके, तो यहाँ पे आप देख, मैंने टेम लिखा था तो यहाँ पे टेम फाइल आ गया। ओके, तो इस तरह से कॉमन नेम होगा तो डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाएगा टैब की प्रेस करने से, पूरा कमांड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है कैलेंडर कमांड, कैल कमांड। ओके, तो इन सभी कमांड के बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कैल कमांड है, बेसिक कमांड है, डेट कमांड है। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो यहाँ तक आपको देख लेना है अभी। ओके, तो कैसे वर्क करता है हमारा जो सेल है वो। ओके, के सेल के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के सेल अवेलेबल है, इसके बारे में हमने देख लिया है यहाँ पे। ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे कमांड की सिंटेक्स क्या है, ओके, इसके बारे में भी हमने देख लिया। कमांड कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले कमांड का नाम आएगा, इसके बाद ऑप्शन आएगा, इसके बाद आर्ग्यूमेंट आएगी। ओके, इसके बारे में हमने देखा, और इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के कमांड के बारे में देखा। दो टाइप के कमांड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, और लिस्टिंग कैसे करना है सेल का, सेल का कौन कौन से सेल अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, इसके बारे में भी हमने कमांड लिखा, कैट कमांड का यूज़ करके, इसके साथ आर्ग्यूमेंट लिखी, स्लैश CTC सेल स्लैश। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने बहुत कुछ देख लिया है यहाँ पे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अवेलेबल है, इसके कैटेगरीज हमने देख ली है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कमांड के साथ वर्क कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप कमांड में हम सबसे पहला कमांड स्टार्ट करेंगे कैल कमांड के साथ, इसके बाद डेट कमांड से। ओके, तो इसके साथ हम वर्क करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।